What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 6 अगस्त 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:24 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है और आज एक बड़ा इवेंट है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आने वाला है। तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट आज देखने को मिल सकता है। फ्रेशर्स है, जो न्यू कमर्स है, वो खासकर अवॉइड करें जब तक आउटकम आता है आरबीआई पॉलिसी का, थोड़ा सा अवॉइड करें ट्रेडिंग करना। वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, वेट एंड वॉच करें, एक्सपीरियंस करें मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के लिए, ये देखते हैं। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 5 अगस्त आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 11,124 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 11,018। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन ही हुआ हमारे फर्स्ट टारगेट के ऊपर, तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता, तेजी का माहौल बन रहा था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, इतनी ज़बरदस्त अपसाइड मूव आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी होता है। तो यहाँ से जैसे ये नीचे की तरफ आया टूवर्ड साउथ की तरफ, तो हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल कल ड्रॉ किया था, उसका 23.6% का लेवल जो है ये अराउंड जहाँ पे इसने कल दो बार सपोर्ट टेस्ट किया है उसी के पास आ रहा था। देखते हैं उसको आगे, यहाँ से बाउंस बैक हुआ ये और पेनेट्रेट किया ब्रेकआउट लेवल को और फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा अचीव हुआ। और यहाँ पर ही इन दोनों लेवल्स को पूरा ये ट्रेडिंग सेशन पेनेट्रेट करता रहा, तो काफ़ी स्लगिश वे में बाद में मार्केट देखने को मिला। तो करके प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 10 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 7,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता। तो ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार यूएस मार्केट में देखे तो नासडैक करीब 57 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, तेजी का माहौल देखने मिला यूएस मार्केट में कल भी। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो जो शुरुआती इस वीक की शुरुआत में एक फ्लैट नोट से कारोबार हमें देखने को मिला था, कल वहाँ पर भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मिला जुला कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव वे में ओपन हुआ था, हालांकि अभी 9 पॉइंट के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स भी 74 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो हालांकि 44 पॉइंट के हल्की से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो एशियाई बाजारों से अभी फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। ये था फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, जो लास्ट स्विंग लो हमने पकड़ा था, जहाँ से ये पीवट बार रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगर मैं इसे बार चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो ये जो ग्रीन बार है, ये इसका हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल का, ये जो रेड बार बना है इसका हाई लो और क्लोज वैल्यू से ऊपर है। तो यहाँ पर ये पीवट बार रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। उसके बाद कल हमने तेजी देखी, हालांकि सस्टेन नहीं हो ऊपर हो पाया। ये जो 38.2% का लेवल है इसको इसने पेनेट्रेट किया। अगर आप इसे 2 आवरली चार्ट में देखें तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा, ये 38.2% का लेवल था, ये 2 आवरली चार्ट है। यहाँ पर इस लेवल के ऊपर एक क्लोज नहीं हो पा रहा था और नीचे आने के बाद एग्जैक्ट 11,065 के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया। तो इन लेवल्स को ये काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पर स्पिनिंग टॉप जैसा अभी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है, हालांकि ये 4 दिनों पहले यहाँ पर सिमिलर पैटर्न हुआ था, लेकिन इसमें और इसमें फर्क यह है कि यहाँ पर अभी हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर देखें तो हायर हाई बना था लेकिन यहाँ पर लोअर लो बना था, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे ये कैंडल का लो बना था। तो अपसाइड ये मूव जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस लेवल के यानी कल के हाई के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो यहाँ से अपसाइड तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और उसके बाद ये जो स्विंग हाई बना है, इस स्विंग हाई को ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर 11,250-300 के पास एक रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है निफ्टी इंडेक्स और फिर यहाँ से हो सकता है ये नीचे की तरफ। तो 11,271 और 300 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो ही यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है।
तो ये था डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स कल देखे तो एक फ्लैट नोट पे ट्रेड कर रहा था, ये जो फॉल आया उसके बाद एक स्लगिश वे में ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेस क्रिएट हुआ है। तो इसका ये जो अपर बैंड है यानी 11,144, इसको अगर क्लियरली ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये बियरिश कैंडलस्टिक का ओपन का लेवल यानी 11,178, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,207, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ये जो कंसोलिडेशन फेज है इसका लोअर लेवल यानी लोअर बैंड 11,062 के नीचे चला जाता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है यानी 11,038, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,021, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।